ओम नमो भगवान ते वासुदेवाय वासु। अच्छा, आपके सगे भाई उधर इंडिया में गए हुए हैं? एक भाई। भील श्री रामचंद्र। पॉइंट को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रहमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिखावा पॉइंट। नाजरीन, आज मैं आपको हिंदू कम्युनिटी के घर विजिट करवाने वाला हूं, आपको दिखाने लगा हूं कि हिंदू कम्युनिटी किन हालात में अपनी जिंदगी गुजारती है। तो चले आए नाजरीन, हम इनसे मुलाकात करते हैं। तो सबसे पहले सर अपना तारुफ करवाएं, आपका नाम क्या है जी? अच्छा, थोड़ा लाउडली बोले। अच्छा, तो इनका नाम है मोइन राम। सर आपका नाम क्या है जी? देवाराम। देवाराम, तो ये देवाराम है। अच्छा चाचा जी, ये आपका बेटा है जी? अच्छा, तो ये मोइन राम जो है इनके बेटे हैं। तो हम इनके घर के अंदर इंटर हो चुके हैं, तो हम आपको इनकी हालाते जिंदगी, इनका रहन सहन और इनका घर भी आपको विजिट करवाते हैं कि ये देवाराम है। अच्छा चाचू जी, आप हमें अपना घर विजिट करवाएंगे? बिल्कुल जी, आए हमारे साथ आए। आए मोइन भाई, माशाल्लाह मोइन भाई को आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं ये। तो ये जी इनके बाहर ग्राउंड में कुछ जानवर बंधे हुए हैं, देखें ये इनके ही हैं सारे, वो उधर भेड़े हैं, बाकी ये एक छपरा बनाया है। अच्छा ये सर बैठक है आपकी ये वाली? मतलब बैठने के लिए जानवरों के लिए बनाई है? अच्छा, ये भी जानवरों, रात जब सर्दी होती है तो इसको ना अंदर बांध देते हैं जानवरों को। तो ये वॉशरूम भी इन्होंने देखें, ये पक्का है। तो एक इधर से खाला जाता है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये है जी इनके घर के अंदर का एंट्रेंस, तो हम ये भी आपको दिखा देते हैं। ये टोका मशीन है, पहले भी एक दो वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी, इधर ये चारा वगैरह कुतरते हैं जानवरों के लिए। तो ये जी किचन एरिया इनका, ये किचन है आपका, खाना पकाना इधर करते हैं सारा? अच्छा अच्छा, सर्दियों में इधर करते थे। तो ये देखें किस तरह से इन्होंने छपरा टाइप ये ना बनाया हुआ था, तो इधर करते थे। अच्छा, तो ये जी इनका घर है, ये देखें कितना खूबसूरत इन्होंने पेंट किया हुआ है। अच्छा, कोई शादी वगैरह तो नहीं सी ये? तुसी माशाल्लाह इतना खूबसूरत इन्हें पेंट किया हुआ है, किस तरह बनाया है घर? शादी सी? अच्छा, 3-4 महीने पहले शादी सी। तो नाज़रीन, जब इनके किसी घर के फर्द की शादी होती है तो इस तरह से ये घरों को कलरफुल कर देते हैं, पेंट किया जाता है। तो अभी देखें ये कितना प्यारा है। अच्छा चाचा, ये तुसी जो कलर किया है, एक केड़ी चीज़ ना कर दें उसी? हथा नहीं, मटीरियल केड़ा यूज होता इतने? रंग लिया के, चूना लिया के। रंग चूना ये चीज़ा? अच्छा, तो मतलब जो है ना खाकी खाकी जहा, इस उन्होंने चाहिया कि इट्टा दी जड़े पोर के उदे नाल तुसी फिर बनांदे? हां जो फिलिया इट्टा होदे ना, पिलीट जी जी, उसको कट के फिर जड़ा ना? अच्छा, उन कट के फिर उते नु गोए मिट्टी दे विच रला के, ते गोए मिट्टी रला के फिर तुसी कलर कर दे इसको? ठीक ठीक। तो बाकी ये जी इनका सेन है। तो ये किधर इन्होंने बनाया के, मतलब इधर बर्तन रखते हैं, ये आप इनके बर्तन भी देख सकते हैं। ये ऊंचा इस वजह से बनाया जाता है कि कोई कीड़े मकोड़े इनके खाने वाले बर्तन होते हैं, उनको मतलब उनमें ना चले जाएं, इस वजह से इनको थोड़ा ऊंचाई वाली जगह पर बनाया जाता है। तो ये इन्होंने थोड़ी सी गार्डनिंग भी इधर की हुई है, आप कुछ पौधे वगैरह लगे हैं ये भी आप देख सकते हैं। बाकी ये इनका सेन है, कुछ चारपाइयाँ पड़ी हैं। और ये देखें जी, अभी जैसे कि भाई ने बताया कि इनकी शादी थी, तो ये देखें जी शादी मुबारक भी ऊपर लिखा हुआ है इनका, 2 महीने ये बता रहे हैं पहले शादी। अच्छा जिस बेटे की शादी से, उसका नाम किसी भाई था? सलीम राम। सुनील राम। अच्छा वो किधर है? अच्छा अच्छा, वो इधर अभी घर नहीं है। तो ये भी देखें, ये भी इन्होंने गार्डनिंग और फूल वगैरह लगाए, ये किन्नू का पौधा है इधर। तो बाकी ये आप इनका घर देख सकते। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या नाम है जी आपका? लखुराम। अच्छा लखुराम, तो आप चाचा जी के भाई हैं? जी, ये भतीजा हूँ।
अच्छा, देवाराम आपके भतीजे हैं? अच्छा, आप इनके चाचू हैं? जी जी। अच्छा, एज आपकी बिल्कुल सेम लगती है। जी। सही। काम शाम आप क्या करते हैं जी? खेती बाड़ी है 8वें से। अच्छा, 8वें से पे खेती बाड़ी है आपकी। ठीक है जी। तो ये जी चाचा भतीजे हैं, तो लगता नहीं है कि ऐसे लगता है जैसे दोनों भाइयों शक्लें भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलती हैं। आओ सर, सर अपना नाम बताएं, तारफ करवाएं मेरी ऑडियंस। नाम जलाल राम है। अच्छा जलाल राम, तो अभी इधर से कहाँ से हैं आप? मैं अभी दुकान से आया। अच्छा, घर आपका किधर है? यही घर। अच्छा, ये आपका घर है जी? अच्छा, तो ये आप मोइन राम जो है वो आपके भाई हैं? मेरे भाई। अच्छा, देवा राम आपके फादर हैं जी? अच्छा, आप इधर रहते हैं जी? जी। ठीक है, ठीक। तो बाकी ये इन्होंने रखी हुई है, इसके अंदर ना दाने वगैरह स्टोर कर किए जाते हैं, गंदम इसके अंदर स्टोर की जाती है। तो बाकी ये जो है इनका किचन एरिया, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इधर है ना ये खाना वगैरह पकाते हैं। तो देखें, एक इन्होंने एक वो चूल्हा है, एक ये तवी वाला चूल्हा, ये भी आप देख सकते हैं। एक इधर इन्होंने बनाई है बर्तन वगैरह रखने के लिए, तो इधर बर्तन वगैरह रखते हैं ये। तो ये जी इनके रूम है, तो मैं ये भी अंदर से आपको जाकर दिखा देता हूँ कि बाहर से तो बहुत ही कलरफुल है, डेकोरेशन हुई है, तो अंदर से जाकर देखते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है। तो जैसे कि मैं अंदर एंटर हुआ हूँ, तो ये फ्रंट में ये एक फूल है, तो ये किस तरह से इन्होंने पेंट करके कैसा खूबसूरत तरीके से इसे बनाया है। तो एक ये इनकी भगवान की पिक है, ये भी आप देख सकते हैं। और ये कुछ बर्तन वगैरह इन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से रखे हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। बाकी ये एक इनकी पिक है, ये मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं, नून लीग को। बाकी जैसे कि शादी थी इनकी, तो अभी भी ये जो है लड़कियां जो है डेकोरेशन उसकी शादी की, अभी भी इधर फूल वगैरह अभी भी लगे हुए हैं। तो ये जी है इनकी आटे वाली टंची, इसमें आटा स्टोर करते हैं। तो बाकी अच्छा, लाइट दी सहूलत है भाई इतने? हाँ जी, हाँ जी, लाइट भी है। ठीक है। तो ये जी इनका दूसरा रूम है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखें जी, ये क्या है? ये भी बोर्ड डेकोरेट किया हुआ है, इसे भी इधर भी इनकी भगवानों की जो है ना पिक्स लगी हुई है। वो देखें जी, जलाल भाई की है, मुझे लगता है ये जलाल राम जो है ना पाक आर्मी में है, तो आर्मी की पिक्स इनकी लगी हुई है। अच्छा सर, तुसी केड़ी, तुसी हिंदू कम्युनिटी जड़ी तुहाड़ी, तुसी हिंदू हो, केड़ी जात है तुहाड़ी? भील। अच्छा, भील बरादरी जी। तो तुसी मूर्तियां वगैरह दी भी पूजा करदे हैं? हां, भगवान की पूजा करते हैं। अच्छा, केड़े केड़े भगवान ने तुहाड़े? श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्रन जी? हाँ जी, श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र जी, तो तुसी ओना दी पूजा वगैरह कर दें? इस तो अलावा होर केड़े केड़े भगवान? कृष्ण। कृष्ण। अच्छा, कोई गायत्री मंत्र या कोई इस तरह की कोई चीज आंदी है तो वो सुनाओ थोड़ी। हाँ जी, तुसी सुनाओ सर। ओम नमो भगवंते वासुदेवाय वासुसुराय आदि पुरुष अपरंपार अनेक प्रसन्न नाम। अच्छा, ये तुसी की चीज पढ़ी है? गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र जो मतलब जो आपका कलमा वगैरह होता है। अच्छा, ये तुम्हारी मतलब इबादत का तुम एक पढ़िया? हाँ। ठीक। अच्छा, तो इतने तुम बैठ के इबादत कर दे हैं? तो ये जी इन्होंने अपना मंदिर टाइप एक छोटी सी अपने घर में ही बनाई है, तो इधर ये बैठ के इबादत करते हैं। अच्छा, डेली सुबह सुबह इबादत कर दें उसी? सुबह शाम। अच्छा, तो इस उन्होंने देखें किस तरह से ये सजावट की, फूल वगैरह भी लगाए हैं, तो इधर ये बैठ के जो है ना अपनी इबादत वगैरह करते हैं। अच्छा चाचा जी, तुसी इत्थे घर किन्ने फर्द हो? पूरी फैमिली, आल फैमिली तुहाड़ी? असीं 8-10 जी बन जांदे आ। 8-10 जी बन जांदे? हां। ते काम शाम जेड़ा तुसी ये सारा मुसलमानां दे नाल ही करदे सारा? बिल्कुल बिल्कुल। ते कोई मुसलमानां दी वजह से कोई परेशानी ते नहीं हुंदी? कोई परेशानी नहीं, सारे अपने मिलजुल के भाई 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 बन के रहंदे हो? बिल्कुल। ठीक है जी, अमन सकून नाल कमा के खाईदा बस। सही। ते बेटे तुहाडे पढ़े लिखे सर, तुहाडी तालीम की जे? मेरे इंटर। अच्छा, इंटरमीडिएट जी। तो सर मोइन राम, आपकी कितनी तालीम? अंडर मैट्रिक। आपने भी इंटर किया है? नहीं, अंडर मैट्रिक। अंडर मैट्रिक, ठीक है ठीक है, मैट्रिक की इनकी। तो ये मोइन राम ने जी मैट्रिक की है, तो आगे तालीम हासिल नहीं की आपने? नहीं। अच्छा, आप आर्मी में भी हैं जलाल राम जी? मैंने आर्मी में ज्वाइनिंग है आपकी जी। आप जॉब करते हैं जी?
तो कहाँ जॉब आपकी, कहाँ है नौकरी का? खारिया कैंट में। खारिया कैंट में जी। तो ये जलाल भाई बता रहे हैं कि इनकी आर्मी में जॉब है माशाल्लाह। कोई मुश्किल तो नहीं है यार, जैसे आप एक हिंदू थे तो हिंदुओं को कहते हैं मुसलमान, इनको मुसलमानों का मुल्ला कहते हैं, इनको पहले जॉब मिले तो हिंदुओं को बस छोड़ दो, इनको साइड पे कर दो, तो आपको कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं नहीं कोई मुश्किल नहीं, इजीली जॉब मिल गई जी। तो आपने अपने मेरिट के मेरिट पे मिली, हमें मतलब कि इतना था कि आपको जॉब मिल गई। तो ये जी दड़बा है इनका, तो मैंने अक्सर वीडियो में आपको दिखाया, तो इसके अंदर मुर्गियाँ वगैरह रखते हैं। तो अभी एक उन्होंने मुर्गी हैचिंग के लिए ना बिठाई हुई है, तो आप ये देख सकते हैं करीब से, जाकर आपको दिखाता हूँ। वो देखे मुर्गी, ये हैचिंग के लिए ना इन्होंने बिठाई है, एक ही मुर्गी है इसके अंदर। अच्छा मोइन भाई, आपके कोई रिश्तेदार इंडिया में है? बिल्कुल है, मामू वगैरह नाना वही है इंडिया। अच्छा मामू और नाना आपके उधर ही हैं, मतलब आपके नान के जो हैं वो इंडिया में है। कितना अरसा हो गया उनको उधर, यहाँ से पाकिस्तान से हो गए हैं? नाने को तकरीबन 10-12 साल हो गए। अच्छा, और मामू को 6-7 साल हो गए। अच्छा, नाने को गए 10-12 साल हो गए और मामू अभी गए हैं, उनको 6-7 साल हो गए हैं, 5-6 साल हो गए। तो इधर पाकिस्तान में वापस नहीं आए वो? नहीं वापस नहीं आए। अच्छा, जब से गए वो उधर ही हैं? उधर ही। तो आप जाना चाहते हैं इंडिया? नहीं हम नहीं जाना चाहते। तो वो क्या वजह है, अभी इंडिया क्यों नहीं जाना चाहते? हमारा घर यही है पाकिस्तान में। अच्छा, अब तो आपसे माशाल्लाह जो भी होगी वगैरह इधर ही हुआ है। अच्छा, तो इस वजह से आप पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं? जी। ठीक है, तो इंडिया वालों के लिए कोई पैगाम वगैरह आपने जो उधर नाने मामू हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? हो सकता है कि वो भी आपकी ये वीडियो देखें, तो उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? यही देना चाहते हैं, उदास हैं, जहाँ भी रहें खुश रहें वो। अच्छा, जहाँ भी रहें खुश रहें सलामत रहें। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो ये जी एक घर हमने आपको ये दिखाया, तो इधर भी 3-4 घर हैं, एक ये है। तो ये हिंदू कम्युनिटी तकरीबन इनके घर जो है ना सेम ही है, एक इकट्ठे ही रहते हैं, तो साथ साथ ही हैं इनके घर। तो ये देखें ये दूसरे घर जो है उनके, ये जानवर हैं इधर। तो बाकी ये जो हम इंटर हो रहे हैं देवाराम जो है ना अपने रिश्तेदारों के घरों में विजिट करवा रहे हैं। सर तो जी ये घर ये है इनका, देख सकते हैं इन्होंने ये बनाया है। अच्छा, तो इधर ये अपना चारा वगैरह जानवरों के लिए इधर रखते हैं। तो ये जी एक घर जो हम जिस घर में अभी आए हैं, तो ये उनका एक रूम है इधर। तो एक कमरे में भी ये सारी फैमिली जो है ना रहती है। ये देखेंगे किस तरह से ये भी घर खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया है, ये सजावट ऊपर की हुई है। तो ये जी वायर लगाई है, तो ये कपड़े वगैरह जब धोते हैं तो इधर इसके ऊपर डाल देते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सर, क्या नाम है जी आपका? नारायण। अच्छा नारायण, तो राम। नारायण राम, तो ये नारायण भाई ये आपका घर है जी? अच्छा, तो आप एक फैमिली इधर रहते हैं जी? आपके वालिदैन बाकी किधर हैं बहन भाई? उसके घर उधर हैं। अच्छा, उनके घर साथ साथ हैं, अलग अलग हो गए हैं शादी के बाद आप? जी जी। अच्छा, तो इंडिया में भी आपके कोई रिश्तेदार हैं? जी भाई बैठे हैं मेरे। अच्छा, आपके सगे भाई उधर इंडिया में गए हुए हैं? जी जी एक भाई। अच्छा, एक भाई उधर है? अच्छा अच्छा, तो उधर क्या करता है वो? बस ये खेती बाड़ी के काम में। अच्छा अच्छा ठीक है जी, तो ये बता रहे हैं कि इनका एक भाई जो है वो भी इंडिया में गया हुआ है। तो बाकी ये अच्छा, ये आ जड़ा घर है ये किन्ना था? ये भी बड़े भाई का, दरवाजा वगैरह लगा हो कि गए होने काम वगैरह थे। ठीक, तो इधर इन्होंने ये एक इधर इनका चूल्हा है, मुझे लगता है ये इस घर वालों का है। तो इधर ये जानवर वगैरह रखते हैं, तो अभी इधर नहीं है, तो ये बकरियों की जगह इन्होंने बनाई है। तो ये देखें ये मेमना कितना क्यूट सा है। तो ये इनके घर के बिल्कुल करीब से ये खाला गुजरता है, तो इधर ये अपने कपड़े वगैरह धोते हैं। तो जैसे अभी हमारी सिस्टर इधर बैठी थी, वो इधर कपड़े वगैरह अपने धो रही थी, तो कपड़े धोती हैं, फिर इनको इस तरह वायर के ऊपर ना लटका दिया जाता है सूखने के लिए। तो ये देखें उधर से इन्होंने वायर लगाई है, तो इधर देखें यहाँ तक ये पूरी उधर जा रही है वायर। तो बाकी ये आप एक कमरा इधर भी है, वो भी आप देख सकते हैं, वो देखें वो कमरा भी है। तो उधर भी एक फैमिली जो है ना उधर रहती है।
वो कमरा भी मैं आपको नज़दीक से जाकर दिखा देता हूँ। तो ये देखें जी, एक एक इन्होंने रूम बनाया है। तो ये इनके जानवर हैं कुछ इधर। ये देखें जी, एक कमरा ये है इनका। तो इधर इन्होंने ये मुझे लगता है कि वॉशरूम वगैरह बनाया है, सिर्फ नहाने धोने के लिए। तो छोटा सा बनाया है ये कच्ची ईंटों का ही। एक इधर चूल्हा है आप देख सकते हैं, और एक ही रूम है इधर। तो ये देखें, मैं आपको ये बाहर से ही दिखा देता हूँ, क्योंकि अंदर से ये भी वैसे ही होगा। तो बाहर से देखें ये कितना खूबसूरत तरीके से इसकी सजावट की है। मट्टी लगाई हुई ऊपर, मट्टी का लेप किया हुआ है इसको। दिखावा पॉइंट को सब्सक्राइब करें। तो ये जी हमारा चैनल है। तो भाई ने भी कह दिया है कि दिखावा पॉइंट को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो जी, दिखावा पॉइंट को सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना। तो जी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।